चलो जो एक कंसेप्ट और सीख लो। देखो यार ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लेना ठीक है। यहाँ पर ये सब कुछ आप थोड़ा रफ कर लो क्योंकि मैं इधर समझा दे रहा हूँ। देखो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है ना काफ़ी बनने लगता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि देखो ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए वैक्टर का डॉट खुद के साथ करोगे तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से समझ सकते हो आप कि बी का बी के साथ करोगे तो इसको क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। एक्स का एक्स के साथ करोगे तो इसको क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड समझते हो ना, जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ए का ए के साथ बी का बी के साथ करोगे तो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब इस पर क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, देखो आपको गिवन है एक्स माइनस ए वैक्टर डॉट एक्स प्लस ए वैक्टर इक्वल्स टू एट, ये डॉट प्रोडक्ट है ठीक है। एंड ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। फाइंड करना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, ठीक है। इस केस में होगा क्या, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर आपको बताइए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन। तो देखो ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे क्या, यहीं पर लिखता हूँ मैं सॉल्व करके, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वन। क्यों, क्योंकि ए क्या है आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, याद रखना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, वन। अब इसके बाद यहाँ पर आओ, देखो इसका इसके साथ क्या कर दो, डॉट। तो देखो ऐसे ही हो जाएगा x माइनस ए डॉट x प्लस ए बराबर कितना दे रखा है, एट। तो देखो इसका पहले इसके साथ होगा तो x डॉट x आएगा, x डॉट x। अच्छा डॉट कहाँ से आया, क्योंकि इसका डॉट इसके साथ, फिर x का डॉट a के साथ होगा तो प्लस x डॉट a हो जाएगा, फिर माइनस a का डॉट होगा किसके साथ, x के साथ, तो माइनस a डॉट x वेक्टर, फिर a का हो जाएगा इसके साथ तो a वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर एट। समझ गए इतना, ठीक है। अब देखो एक्स डॉट एक्स वेक्टर अभी अभी सिखाया था क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, होल स्क्वायर। तो यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स डॉट ए, ठीक है, माइनस। इस चीज़ को समझो यार, देखो यहाँ मैंने सिखाया था ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, कहीं पर समझाया था, हाँ यहाँ पर समझाया था ना, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। तो पहले तो देखो इन दोनों चीज़ को आप नहीं काट सकते हो इस टाइम पर, कब काट सकते हो आप, तब काट सकते हो जब आप यहाँ पर बोलो कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, इसका मतलब होता है एक्स डॉट ए बराबर ए डॉट एक्स होगा, समझ गए। तो ए डॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स डॉट ए, तो यहाँ पर आप एक्स डॉट ए भी लिख सकते हो, माइनस इसको क्या लिखोगे, इसको ए डॉट ए को क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये दोनों चीज़ें अब कट सकती हैं, पहले नहीं कट सकती थी लेकिन हमें पता है ये कम्यूटेटिव है इसलिए कट सकती हैं। तो यहाँ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, वन है, तो वन का स्क्वायर वन होगा, तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा। इसको इधर लेके जाओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एट ओवर नाइन, जिससे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट नाइन, ठीक है। और ये प्लस माइनस होगा, लेकिन 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 यहाँ पर हम माइनस यूज़ नहीं करेंगे, रीज़न क्या है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना है आपका, थ्री आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर देख लेना है और उसमें दो तीन क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फोर मार्क्स के लिए बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जरूर देखना। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।